अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं जो आँखों का तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है वो क्या है, आँखों का फ्लू क्या है, इसकी क्या प्रिकॉशंस हैं और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। आजकल देखा यह गया है कि आने वाले दो चार दिन में ये जो इन्फेक्शन है हर दूसरे बंदे को हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। ये हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में, इस्लामाबाद, कराची में, लाहौर में और मुल्तान में और दीगर इस्लाम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोगों में एक खौफ और हिरास फैल चुका है। वो समझते हैं कि शायद ये कोरोना वायरस की तरह एक ख़तरनाक वायरस है जो हर दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है ये एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, ये इतना ख़तरनाक नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल आप इसके बारे में परेशान ना हों। कुछ ऐसी चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इससे इन्फेक्टेड लोगों को चाहिए कि वो अपने जो है अपनी प्राइवेसी का ख्याल करें, वो जो है अपने हाथों को बार बार धोएं और साबुन के साथ धोएं। हाथों को बार बार धोने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मिनरल वाटर से आप हाथ धोएं। आपको चाहिए कि आप नॉर्मल जो घर का साफ पानी है आप उससे बार बार अपने हाथों को साबुन से धो सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी इन्फेक्टेड आई से अगर आपका हाथ छू गया है या अगर आपने अपने हाथों से अपनी आँख को रब किया है, आप कोशिश करें कि आप अपनी आंखों को बार बार जो है ना छुएं, आंखों में ख़ारिश ना करें। आप अपनी आंखों को मसलने से गुरेज़ करें। आप अपनी प्रॉपर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। उसमें जो है आपके हाथ आलूदा होने से, ये जो है आपके आप किसी से हाथ मिलाते हैं उससे फैलती है। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं उसको चाहिए कि अपनी आँखों को बार बार दिन में 7 से 8 मरतबा ठंडे पानी से आँखें धोएं। इसके अलावा वो चश्मों का इस्तेमाल करें। वो काले चश्मे भी हो सकते हैं, वो वाइट चश्मे भी हो सकते हैं। आप अपने आँखों के को धूप से बचाएं, मज़ीद इरीटेशन से बचाएँ। इसके फैलने की शरह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हर बंदे को इन्फेक्शन हो के रहेगा। ज़्यादातर ये देखा गया है बच्चों में बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैल रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। वो स्कूल जाते हैं, इधर उधर उनका कांटेक्ट होता है, वो हाथ मिलाते हैं, बच्चों से खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हीं हाथों से अपनी आँखों को वो हाथ लगा लेते हैं और ये जो है इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आपको चाहिए कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है वो कोशिश करे कि वो हाथ किसी से ना मिलाए और अपना आई कांटेक्ट जो है वो किसी से ना रखे। हुकूमती इकदामात के मुताबिक स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं ताकि वो बच्चों को कुछ दिन जो है वो सेफ़ रख सकें, ताकि इन्फेक्टेड बच्चों से वायरस जो है वो दूसरे बच्चों में ना फैले। माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को घर रखें और बच्चे की हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। बच्चे को आप ये समझाएं कि बार बार आपने ठंडे पानी के साथ आँखें वॉश करनी हैं और पर आपने हैंड वॉश करने हैं। की अलामत में आँखों में चुभन का एहसास हो सकता है, आँखों में ख़ारिश हो सकती है, आँखों से कोई मवाद पानी की सूरत में आ सकता है, आपकी आँखें जो हैं वो सुर्ख हो सकते हैं, आपकी आँखों के नीचे वाले हिस्से में स्वेलिंग हो सकती है, आँख का जो वाइट हिस्सा कॉर्निया है वो रेड हो सकता है। इससे इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि ये जो है ये हर जगह फैल रहा है, ये हर बंदे को होगा। ये एक बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है जिसे ये जो है फ्लू जैसे होता है, फ्लू ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो ये जो है इन्फेक्शन आँखों का, ये अशुबे चश्म की बीमारी जो है ये 7 दिन के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।